हाय गाइज, मैं स्वीटी गुप्ता। स्वीटी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली महाराष्ट्र की फेमस पूरन पोली की रेसिपी। इसे बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, पर वीडियो में बताए गए टिप्स एंड तरीकों को अगर आप फॉलो करके बनाते हैं तो आपका भी पूरन पोली जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगा, कोई कमियां नज़र नहीं आएगी। बहुत से लोग बोलते हैं उनका पूरन पोली जो है बेलते वक्त फट जाता है, उनका पूरन जो है पोली के अंदर किनारों तक नहीं पहुंच पाता है, अच्छे से फूलता नहीं है। तो इन सभी बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए आपको टिप्स एंड तरीके बताए हैं, जिसे आप फॉलो करके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरन पोली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं पूरन पोली बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी भरकर चना का दाल लिया है, ये बड़े दाने का है। आप चाहे तो छोटे दाने या मीडियम दाने का कोई सा भी ले सकते हैं, ये आसानी से सभी के घरों में अवेलेबल होता है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक कप जितना मैंने चना का दाल लिया था उतना ही उसी कटोरी से मेजर करके गुड़। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी जो है लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर नारियल का बूरा लिया है, ये भी बाजार में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो दोस्तों इसे स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के बराबर देसी घी, ये घर का देसी घी है जो पूरन पोली को बनाते वक्त इस्तेमाल होगा। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम गेहूं का आटा। आप चाहे तो हाफ कप क्वांटिटी में मैदा और आटा दोनों मिक्स करके बना सकते हैं, पर मुझे हेल्दी बनाना है तो मैं आटे का इस्तेमाल करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अगला प्रोसेस जो है, या तो आप चने दाल को रात भर सॉक कर दीजिए या प्रेशर कुकर में इसे तुरंत ऐड करके 2 से 3 बार वॉश कर लीजिए, ताकि इसका जितना भी पॉलिश या फ्लेवर हो बाहर निकल सके पानी के थ्रू। परंतु पानी में पहले से भिगोए गए चने दाल से पूरन पोली जो उतना अच्छा नहीं बनता है, हम इसे तुरंत बनाकर दिखाएंगे आपको। ये मैंने वॉश कर लिया है, मैंने 3 बार इसे वॉश किया है। अब मैं उसी कटोरी से मेजर करके 2 कटोरी पानी ऐड करूंगी। अगर आप सॉक करके पहले से भिगो कर इस्तेमाल कर रहे हैं चना दाल, तो 1 से 1.5 कटोरी पानी ऐड कीजिए। गैस को ऑन कर दीजिए, हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने दीजिए और लो फ्लेम पर 8 सीटी आने दीजिए। कुल 9 सीटी लगानी है हमें। अगर आप चना दाल को सॉक करके बना रहे हैं तो 4 से 5 सीटी लगाइए। जब तक चना दाल पक रहा है तब तक हम आटे को गूंथ लेते हैं। एक बर्तन में आटे को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आटा बचा लिया है जो पूरन पोली को बेलते वक्त इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है चुटकी भर नमक जो मीठा को कंट्रोल करेगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच जितना रिफाइन ऑयल, आप जब भी पराठा बनाइए तो रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, इससे पराठा सॉफ्ट बनता है। आप घी का इस्तेमाल मत कीजिए। इन सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करके सॉफ्ट डो के रूप में तैयार कर लेना है। यहाँ पे पहला ट्रिक है दोस्तों, हमारा आटा जितना ही सॉफ्ट होगा, जितना ही मसल मसल के रूप से गूंथेंगे, उतना ही पूरन पोली जो हमारा सॉफ्ट बनेगा, फूलेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक इसी तरीके से मसल मसल का सॉफ्ट डो के रूप में तैयार कर लीजिए। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुका है, पर हमें इसे और मसलना है, पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारा पूरन पोली सॉफ्ट और बालून की तरह फूला फूला बने, तो अपने हाथों को कष्ट देते हुए 5 से 7 मिनट तक इसे मसल मसल कर गूंथना पड़ेगा। ये देखिए, थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ी और मसल लेंगे हम इसे। अब क्या करना, अपने हाथों पे थोड़ी सी तेल लगाकर चारों तरफ स्पीड कर देना है, जिससे ये ड्राई नहीं होगा, क्योंकि हमें इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ना है, जिससे और ये फूल कर सॉफ्ट हो जाएगा। इसे किसी बर्तन से या फिर कॉटन के कपड़े से ढक करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये हमारा कुकर में 9वां सीटी दे रहा है। गैस को ऑफ कर देना है, इसे ऑटोमेटिक ठंडा होने देना है, नेचुरली तरीके से ठंडा होने देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना चना दाल जो है अच्छे से पक चुका है, इसमें बिल्कुल पानी भी एक्स्ट्रा नहीं है।
तो मैंने एक कटोरी चना दाल और दो कटोरी पानी का इस्तेमाल किया था। ये देखिए, लगभग एक टेबल स्पून के बराबर पानी एक्स्ट्रा, इसे भी हम छान लेंगे। छेद वाली बर्तन में रखकर या फिर स्ट्रेनर में रखकर, आपके पास स्ट्रेनर हो तो उसमें ऐड कर दीजिए और इसे इसके पानी को छान लीजिए। ये मैंने छान लिया है। फिर से हमें इसे इसी कुकर में ऐड कर देना है और ये करछी की सहायता से इस तरीके से घुमाते हुए इसे सॉफ्ट बनानी है, चिकना करना है। अगर आपके पास मशीन अवेलेबल हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे पास मशीन नहीं है, मैं इसे करछी की सहायता से ही आपको चिकना करके दिखाऊंगी। ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा ट्रिक है, आटा हमारा जितना सॉफ्ट है, जितना चिकना है, उतना ही हमारा पूरन जो है सॉफ्ट होना चाहिए। दोनों की कंसिस्टेंसी बराबर होनी चाहिए। अगर हमारा आटा टाइट हो, पूरन लूज हो, तो बेलते वक्त पूरन जो है आटे से बाहर आ जाएगा। यही गलतियां हम करते हैं जिसके वजह से पूरन पोली बेलते वक्त पूरन जो है बाहर आ जाता है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इस स्टेज पर आप ऐड कर दीजिए गुड़ को। गुड़ अपने मीठा के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, मुझे थोड़ी ज्यादा मीठा पसंद है, तो मैं एक कटोरी चना दाल में एक कटोरी गुड़ ऐड की हूँ। आपको अगर कम मीठा पसंद है तो थोड़ी कम कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेना है। अब गैस पे इसे चढ़ा देनी है। फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई नहीं रखनी है, फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे 2 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक थोड़ी पकानी है। अगर फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा और इसे जब हम आटे में भरेंगे तो आटे से बाहर निकलने लगेगा। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे नारियल का भूरा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे बर्तन में निकाल लिया है और थोड़ी देर ठंडा होना है, ध्यान रखना है, ज्यादा ठंडा नहीं करनी है, थोड़ी सी ठंडा कर लेनी है और इसे अपने हाथों से चिकना करके बॉल्स के रूप में तैयार कर लेना है। अगर हम ज्यादा ड्राई कर देंगे तो ये टाइट हो जाएगा, इसलिए थोड़ी गर्म रहते हुए इसे अपने हाथों से चिकना करनी है, अब बॉल्स बना लेनी है। यहाँ पे आटा को चेक कर लेते हैं। आधे घंटे बीत चुका है, आटा और सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, तो हमारा पूरन पोली और आटे दोनों बिल्कुल सेम सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। अब आप क्या कीजिए, आटे में से लोया काट लीजिए। यहाँ पे मैंने एक लोया ले लिया है। इसमें थोड़ी सी आटा लगाकर इसे कटोरी की शेप में बना लीजिए। इस तरीके से पूरन पोली के एक बॉल्स को इसमें ऐड कर दीजिए। इसके मुंह को इस तरीके से क्लोज कर देना है दबाते हुए। ये ट्रेडिशनल तरीका है, मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ। आप इसे 3 से 4 इंच के व्यास में बेल लीजिए और पूरन पोली ऐड कर दीजिए और मुंह को क्लोज कर दीजिए। इस तरीके से इसे रोल आउट कर लीजिए। इस पे थोड़ी सी आटा लगा लीजिए और सरफेस पर रखकर या फिर चकली पे रखकर इसे टैप करते हुए हाथों से फैला लीजिए थोड़ी देर। अब आप बेलन को हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इस तरीके से रोटी जितना या फिर रोटी से हल्का सा थिक इसे बेल लीजिए। थोड़ी सी आटा लगा लीजिए चारों तरफ उलट पुलट कर, इस तरीके से फिर से बेलना है हमें। ये देखिए, ये बिल्कुल रोटी जैसा बेल चुका है हमारा पूरन पोली, कहीं से फटा हुआ नहीं है, ना कहीं से लीकेज दिख रहा है इसमें। यहाँ पे तावा जो है गर्म है, यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक तावा लिया, आप नॉर्मल तावा भी ले सकते हैं। एक साइड थोड़ी चित्ती आने पे दूसरी साइड पलट देना है। इस साइड घी लेकर चारों तरफ स्पीड कर देना है, फ्लेम को मीडियम हाई रखना है और दूसरी साइड पलट देना है। जैसे हम पराठे उलट पुलट कर पकाते हैं, तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पूरन पोली जो है बिल्कुल बालून की तरह फूल रहा है, कहीं से कोई लीकेज नहीं दिख रहा है, ना ही कहीं से कोई फटा हुआ है, बिल्कुल रोटी जितना पतला है। मैंने कोई फूड कलर, ना हल्दी,
ना ही बेकिंग सोडा कुछ भी, ना ही मशीन का इस्तेमाल किया, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। जो सामान हमारे घर पे अवेलेबल थे मैंने उसी से बनाया है। इसी तरीके से दूसरे पूरन पोली को बेल लेना है। और पराठों की तरह उलट पुलट कर सेकना है हमें। तो दोस्तों कैसी लगी ये रेसिपी? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हमें आपके लिए आगे क्या बनाना है। इन सारे ट्रिक्स को फॉलो करके बिल्कुल परफेक्ट पूरन पोली को बना सकते हैं आप। तो मैंने इसे इजी तरीके से और बहुत ही कम सामान में बनाकर दिखाया है आपको। ये देखिए हमारा पूरन पोली जो है कितना सॉफ्ट नजर आ रहा है। इसी में तोड़ कर दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर ये रेसिपी पसंद आया हो प्लीज, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल किनारों तक पूरन जो है